अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आजकल के कारोबारी हालात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? कारोबारी हालत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो होता है ना हुकूमत के इस हालिया हुकूमत के दौर में जो लोग हर आदमी आपको गिला करता हुआ मिलेगा कि यार कारोबार नहीं है, परेशानी है, महंगाई है, फारिग बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन, ऐसा नहीं है। हर वक्त तनकीद, हर वक्त बात पे मुनासिब नहीं होती, किसी चीज़ को पॉजिटिव भी लेना चाहिए। हम भी कारोबार करते हैं, बहुत छोटा सा हमारा काम है। बारिशों से पहले तक हमारा जो एवरेज था वो 2-3, 1-2-3 का एवरेज भी नहीं होता था। अभी बारिश हुई, बारिश के बाद बकरीद, इस सीज़न के बाद हमारा 8-7, 8-7-8 का एवरेज हमारा है। अभी तक तो आ गया है और आगे चल के 20-22 तक भी हमारा एवरेज आ जाएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको एक चीज़ लेनी है ज़िंदगी में, अगर आपको सुकून चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लिया था एक रैकेट। अब दिन में सुबह से लेके इस वक्त तक मैं तकरीबन, अब मैं आपको दिखाता हूँ, 7-8 के करीब मक्खियाँ मैं मार चुका हूँ और लोग कहते हैं कि फारिग है। ये भी एक देखें, आप ये देखिए, गिन लें आप, 8-9 के करीब है जो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रात 7-8 बजे तक मैं तकरीबन 20-22 तक का एवरेज पहुँचा दूंगा। तो इसलिए आप घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, हार नहीं माननी है, मसरूफियत रखनी है। इससे बेहतर मसरूफियत और कोई नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ इस दौर में। बहुत शुक्रिया।